तो यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं एक ऐसी जानकारी जिसको जानकर आप खुश हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता आप स्वयं सहायता समूह में निकली है एक नई नौकरी। दोस्तों, इस नौकरी के बारे में अगर आपको बताऊँ तो नौकरी है IPRP की नौकरी। सभी जिलों में आवेदन शुरू हो चुका है। इसमें हम जानेंगे किस तरीके से आपको काम करना है, आपकी सैलरी क्या होगी, पूरी चयन प्रक्रिया को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं IPRP जो होता है इंटरनल प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन। जी हाँ दोस्तों, इंटरनल प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन कहते हैं। इनकी तैनाती ग्राम पंचायत में होती है और क्या मानदेय मिलेगा, किस तरीके से भर्ती होगी, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में बड़े डिटेल में जानते हैं। निवेदन करते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, एक सूचना आपको दिखा रहा हूँ, शासनादेश जो कार्यालय उपायुक्त स्वतः रोजगार औरैया को द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, एक कार्यालय आदेश है जो उपायुक्त स्वतः रोजगार औरैया के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, मिशन निदेशक महोदया उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्र संख्या 5064 दिनांक 29 नवंबर 2022 के माध्यम से मिशन द्वारा उपलब्ध कराई गई आंतरिक PRP नीति के अनुसार NRLM अंतर्गत गठित जनपद के समस्त संकुल स्तरीय संघी हेतु आंतरिक PRP का चयन तत्काल पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस संबंध में एक आवश्यक बैठक का आयोजन आगामी दिनांक 12 दिसंबर को अपराह्न 1 बजे से विकास भवन सभागार औरैया में किया जाना प्रस्तावित था। उक्त बैठक में प्रत्येक विकास खंड के समस्त संकुल स्तरीय संघों के अध्यक्ष एवं प्रत्येक ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई के BMM SMCB द्वारा प्रतिभाग किया जाना था। समस्त संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि ससमय बैठक में प्रतिभाग हेतु सुनिश्चित करें। दोस्तों, ये बैठक हो चुकी है। इस बैठक में क्या जानकारी निकल के सामने आई है, इस चीज़ को मैं आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। निवेदन करता हूँ इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, छिबरामऊ से निकल के सूचना सामने आ रही है जिसमें विकास खंड क्षेत्र में संचालित स्वयं सहायता समूह की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब उनकी देखरेख को प्रत्येक क्लस्टर में एक एक आंतरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन IPRP की तैनाती होगी। इसके लिए परीक्षा पास करनी होगी जिसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अगर मैं आपको बताऊं तो आने वाले समय में बहुत कुछ मिलने वाला है जो सरकार आपको सीधे तौर पर देगी। शासन ने अब स्वयं सहायता समूह की जहां एक तरफ तमाम जिम्मेदारियां बढ़ाई हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनकी देख रेख को IPRP की नियुक्ति का भी ताना बाना बुना है। इसके तहत क्षेत्र में संचालित स्वयं सहायता समूह से जुड़े स्वयं सेवकों की परीक्षा होगी। उनमें चयन के बाद उन्हें IPRP के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कहाँ पर आपको इसके फॉर्म मिलेंगे, किस तरीके से आपको आवेदन करने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आने वाले समय में बहुत सारी इस तरीके के पद आने वाली हैं। आप देख ही रहे हैं, हर जनपद में हर जिलों में संकुल स्तरीय संघों का निर्माण किया जा रहा है जहाँ पर इस तरीके से पद सृजित किए जा रहे हैं। और इनका मेन काम अगर मैं आपको बताऊं तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रोफेशनली प्रशिक्षण देना होता है, चाहे वो किसी भी काम को लेके हो, चाहे बिजनेस करने को लेके हो, चाहे आप किसी भी पब्लिक मीटिंग को में बोल रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखा जाए तो आने वाले समय में जल्दी से जल्दी IPRP की नौकरी शुरू कराई जाएगी। और इसके लिए जो मानदेय है, मैं आपको एक नए वीडियो बना के आपको डिटेल में फॉर्म के साथ मानदेय भी बताऊंगा किस तरीके से आने वाले समय में बहुत कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों, जो भी स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, जो थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, जिनको बोलने का थोड़ा सा तजुर्बा है और भी कई सारी चीज़ें कर लेती हैं, वो लोग जल्दी से जल्दी इस पद के लिए आवेदन करें। आपको कहीं नहीं जाना, आपके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय में जाना है, वहाँ से IPRP का फॉर्म लेना और भर के वहीं पर जमा कर देना है। दोस्तों, इसमें अच्छा खासा आपको पैसा भी मिलता है, भत्ता भी मिलता है, मानदेय अलग से मिलता है। निवेदन करते हैं अगर जानकारी अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।